तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s में One UI 6.1 अपडेट होने के बाद लॉक स्क्रीन के अंदर क्या कमाल का फीचर एड ऑन किए गए या फिर क्या फीचर एड ऑन किए गए लॉक स्क्रीन के अंदर, वो आपको बताने वाला हूँ आफ्टर One UI 6.1। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एज ए टेक। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कमाल के One UI 6.1 के फीचर्स बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के जब भी मैं अनलॉक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फोटो एक अलग तरीके से आ रही है और अलग ही डिजाइन आ रहा है। ये है One UI 6.1। इसको कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ी देर उसको क्लिक करके रखना है, यहाँ थोड़ी देर आपको उसको क्लिक करके रखना है और उसको अनलॉक कर लेना है। मोबाइल को अनलॉक करते ही आपका पिक्चर यहाँ पर ऐसी खुल जाएगी और ये कमाल का एडिटिंग फीचर्स इसमें खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कमाल के फीचर्स यहाँ पर खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको नीचे फ्रेम्स का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स, जैसे नॉर्मल फोटो रहेगी आपकी ऐसी, आपको किस फ्रेम में उसको एड ऑन करना है आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना फ्रेम को चूज कर सकते हैं। जिस फ्रेम में भी आपको चूज करना है उसको चूज कर लो। उसके बाद आप वहां पर साइड का जो कलर है उसको भी चूज ऑन कर सकते हैं कि कौन सा कलर रहना चाहिए। यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से भी कलर को सिलेक्ट ऑन कर सकते हैं, कौन सा जोन सा कलर चाहिए या जोन सा आपको जो भी लगाना हो आप अपने हिसाब से उसको चूज ऑन करके यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। तो कमाल के ये वाला फीचर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले ये दिया गया है, इसमें इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं कि आपको ब्लर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या कौन से स्पेस में चाहिए। आप यहाँ पर इसका यहाँ पर कलर भी चेंज आउट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने हिसाब से पूरी तरीके से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसा आपको चाहिए आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपको विजार्ड्स के ऑप्शन दे दिए गए, यहाँ पर ऐड विजार्ड्स के ऑप्शन दे दिए गए। आप यहाँ पर बैटरी के टगल्स को लगा सकते हैं, बैटरी स्टेटस, बैटरी का स्टेटस आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। वॉच 3 का भी दिखेगा। ऐसे ही कैलेंडर के विजार्ड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, कैलेंडर के विजार्ड्स, क्लॉक के विजार्ड्स, रिमाइंडर विजार्ड्स, सैमसंग हेल्थ के विजार्ड्स एंड वेदर विजार्ड्स। इतना सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपना ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि पहले नहीं आते थे। ये अभी रिसेंटली यहाँ पर One UI 6.1 में अपडेट किए गए हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ा पहला चेंजेस यही लग रहा है और यही कमाल का फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे विजार्ड्स को डाल सकते हैं, विजार्ड्स में आप आइकन की भी डिटेल यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ क्लॉक में जाएंगे तो क्लॉक एडिटिंग के ऑप्शन दे दिए गए, क्लॉक्स बहुत सारी मिल जाएगी। साथ में यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से फॉन्ट्स को भी ऐड ऑन करके आप अपनी क्लॉक को यहाँ पर अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने क्लॉक को यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएंगे। तो यही नया फीचर था लॉक स्क्रीन से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बताया One UI 6.1 में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, और हो सके इस वीडियो को शेयर और कमेंट कर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।